हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल आप सबके? तो भाई, नए दिन की शुरुआत हो गई है। कल का प्लान था घूमने जाने का रात को, लेकिन भाई थक्के इतने चोर हो गए थे ना, हिम्मत ही नहीं बची थी जाने की। आए सो गए और फिर आँख ही नहीं खुली। मतलब सब आपस में बोल रहे कि भाई चले चले, सब मना कर दिया कि नहीं अब तो नींद आ रही है, कल देखते हैं। तो आज सुबह उठे थे 8 बजे, हाँ 8 बजे। उसके बाद चाय वाय पी, ब्रेकफास्ट किया और इधर मैं तो घूमने आ गया। ये पीछे का वही फ्रूट्स वगैरह हैं इधर। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है, दिखाते हैं आपको आज का पूरा दिन मेरा कैसा रहने वाला है। सो गाइज, हम हो गए नहा धो के एकदम तैयार और अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर कि यहाँ पे एक चीज़ पाई जाती है, चीड़ के फूल बोलते हैं उनको, वुडन फ्लावर होते हैं वो, तो वो लेने। साथ में हमारे साथ जा रहे हैं भैया। ये नाग तला के उठी की तैयारी हो रही है। चलोगे? चलो रहा, चलो भाई चलो। इसका दिमाग खराब हो गया, मैं भी चलूंगा। एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, यहाँ से हो गया थोड़ा ऊपर चढ़ाई, कोई नहीं तो मिल जाने चाहिए बस, तो जाए इतनी दूर कहीं। देखो यार कहाँ है, कुछ कुछ तो मिल ही जाने चाहिए। ये होते हैं भाई चीड़ के पेड़, इनके फूल होते हैं, लेकिन इतनी दूर आए हैं, यहाँ कुछ है नहीं फिलहाल, आगे मिल सकते। तो अभी हम इससे और ऊपर जाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादातर बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, उस घर से इतनी दूर आ गए भाई, फुल होगा पता नहीं, वर्कआउट पूरा हो गया। पता नहीं चलता ट्रैकिंग में, उसके ऊपर आ भी गए। हाँ लेकिन साथ साथ तो पता चल रहा है भाई। ये है छोटा चीड़ का पेड़ और ये इसके बर्ड्स निकले हुए हैं, इसका फ्लावर बनता है बड़ा होके। पहले भी नहीं होते भाई, काफ़ी जहमत के बाद ये एक मिला, और जो हमने पत्थर मार के तोड़ा था वो तो मिला भी नहीं, पर उसको ढूंढ रहे थे उसकी जगह एक और मिल गया। चलो मतलब खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला है, ऐसा इसका फ्लावर होता है। छोटा थोड़ा था तो बड़ा मिल गया। हाँ छोटा थोड़ा था वो तो बिल्कुल छोटा सा था, ये थोड़ा सा बड़ा मिल गया गिरा हुआ। तो भाई आज की अपनी माउंटेनिंग होगी पूरी, अब खाना वाना ले लेते हैं। तो भाई हम खाना वाना खा के बैग वैग पैक कर लिए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम जाएंगे नैनीताल, मेन ये एरिया जो है वो साइड है थोड़ा सा। मम्मी आ गई बैग लेके, थोड़ा सा लगवाते हाथ सारा। भाई अभी हम आ गए नैनीताल मेन मार्केट में, गाड़ी लगा दी पार्किंग में और अभी हम जा रहे हैं मार्केट साइड की। ये है भाई यहाँ की तिब्बत मार्केट, कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ। इधर हो गया ना फूड वगैरह का। ये भाई इधर माता का मंदिर, यहाँ जाएंगे बाद में, पहले मम्मी लेने लगी कपड़े। ये पसंद आया मम्मी को, ये ले लिया यहाँ से। और अभी और मार्केट में मतलब अभी इच्छा खत्म हुई नहीं है। ये भाई हमने दो और कोट ले लिए हैं अपर हमारे, ये बनवा लिए भाई कोट। गर्म नहीं होगा? अच्छा, इतने सब घुमाई के बाद अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के यहाँ पे एक ताल और है, मतलब चौथा ताल हमारा, बाकी उससे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, फिर आपको बताऊंगा मैं ताल के बारे में। इधर निकाल देते हैं जूते, फिर चलते हैं मंदिर में। सो गाइस ये है नैनीताल का ताल, मतलब इस ताल का नाम नैनीताल है और ये मेन ताल है यहाँ का। के अंदर देखो मछलियाँ, ये
ये मंदिर से लगता हुआ ही ताल है। भाई मैंने ना यहाँ एक चीज देखी है, देखो यहाँ पे ना चारों धर्मों के मंदिर एक साथ ही हैं। देखो मतलब मंदिर क्या, जो अपने रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, ये उधर चर्च, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा और वो उधर टेंपल। ये मैंने मतलब मैंने तो नहीं देखा था कहीं, मेरे को ये पहली बार देखने को मिली ये चीज। भाई हम वहाँ से अपने तो कपड़े लेके आ गए हैं, मैं और चिराग और मम्मी और भाई अभी वहीं हैं, पता नहीं वो क्या ले रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं और यहाँ से पहाड़ी ताक रहे हैं बस। भाई वहाँ से निकल लिए हैं और अब जा रहे हैं गुड़गांव, तो हमारी ये लास्ट डेस्टिनेशन है यहाँ की, इसको बोलते हैं लवर पॉइंट। नीचे उधर के कोई लवर पॉइंट नाम की जगह है यहाँ। हेलो, आपको काम तो बन गया, बड़ा काम बन गया। हाँ छली पागी ये देखो भाई धुंध देखो यहाँ कितनी, और ठंड भी उतनी है यहाँ, जितनी धुंध है ना उतनी ठंड है। भैया हम फाइनली पहुंच गए हैं लवर पॉइंट पे, इसको आना था यहाँ वाकई। बाकी ना धुंध बहुत ज्यादा है, इसको यहाँ फोटो खिंचवानी है। ये पॉइंट और फिर नीचे धुंध बेइंतहा, काला ही काला है, दिख ही नहीं रहा कुछ वहां तो। हेलो गाइस, जिस भी प्रेमी जोड़े को अपना प्यार पक्का करना है वो यहाँ आओ, और जिसको तोड़ना है वो थोड़ा सा यहाँ आओ, सफल होगा। भाई नैनीताल से निकल चुके हैं हम गुड़गांव की तरफ, और रास्ते में मैं दिखा ये गिल डब्बा तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं, यहाँ आप कुछ चाय पानी लेंगे। हेलो भाई, टाइम हो गया है रात का 1 बज गया और हम पहुंच गए गुड़गांव में, तो हमें लग रही थी भाई भूख, सब कुछ पिज़्ज़ा हट और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद हो गए, तो मुश्किल से मतलब एक ऑनलाइन मिला कुछ पिज़्ज़ा, ऑर्डर किया वहाँ से, अभी यहाँ से पिज़्ज़ा रिसीव करेंगे। वैसे मतलब है ना इनका खाने का नहीं है, डिलीवरी वगैरह ही करते हैं ये, तो हम यहीं से इनके स्टोर से रिसीव करके जाएंगे घर।